बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो मैं हाजिर हुआ हूँ कराची यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर। उसके अंदर डी फार्मेसी और मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स के एडमिशन का आगाज हो चुका है। अब उसमें कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे सबमिट आउट करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान डॉक्यूमेंट टीसीएस प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी दारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन को आप हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है, किसी भी जगह से अप्लाई करवा सकते हैं। अब सीन ये यहाँ पे आप देखें, अगर मेरे सामने यहाँ पे व्यूअर स्टडीज डेस्क बेस जो है वो डेट ऑफ अनाउंसमेंट जो 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन जो है 30 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक है, डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट जो है 19 नवंबर को, अनाउंसमेंट जो है 19 दिसंबर 2023 को आपका अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। डॉक्टर फार्मेसी की मैं बात करूँ तो 29 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ और 30 अक्टूबर से पोर्टल जो है वो लाइव हो चुका है। 26 नवंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते, एडमिशन टेस्ट जो है ये टेस्ट बेस है, ठीक है, विद टेस्ट बेस। ये आपका डेट ऑफ 26 नवंबर 2023 को आपका टेस्ट होगा और 3 दिसंबर 2023 को आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे बीएस फर्स्ट मॉर्निंग टेस्ट बेस में आपकी बात करूँ, 29 अक्टूबर 2023 और 2000 यहाँ पे आप सारा स्केड्यूल देख सकते हो। यहाँ पे मेरे सामने डी फार्मेसी की भी लिस्ट मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर मैं डिस्कस करता चलूँ, मिनिमम 60% मार्क्स एफएससीपी मेडिकल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ बता दिया गया और सारा कुछ यहाँ पे टेस्ट भी कंडक्ट बता दिया गया कि वो कह रहे हैं कि आपका जो टोटल ओवरऑल क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा, वो आपको वो भी डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे टेस्ट डेट जो है वो 26 नवंबर 2023 को बताई गई है और सेल्फ एनहांस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और टोटल ओवरऑल जो चलान है वो भी आपको बता दिया गया कि ऑनलाइन अप्लाई करना जो प्रोसेसिंग फीस है वो 4000 रुपए है। अब यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, सिंपली उनकी वेबसाइट पे आना है। सिंपली यहाँ पे आपने सर्च आउट करना है यू ओके, जैसे सर्च आउट करते हैं तो आपके सामने उनका ऑफिशियल पोर्टल ओपन आता है। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन पोर्टल के ऊपर क्लिक आउट करें, जैसे इसके ऊपर क्लिक आउट करते हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन का नजर आ रहा है। यहाँ पे एडमिशन प्रोग्राम 2024 पे क्लिक आउट करें, यहाँ पे फार्मेसी नजर आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे एडमिशन ओपन मेरिट पे नजर आ रहा है, यहाँ पे ओपन मेरिट क्लिक करें, यहाँ पे वो सारा आपके सामने जितने भी प्रोग्राम है वो सारे यहाँ पे शो कर दिए गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। विल बी अनाउंस 26 नवंबर, यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अप्लाई करता हूँ, लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स को फीस स्ट्रक्चर भी जानना लाजमी होता है। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर इनका, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मेसी का हर चीज का यहाँ पे एलेबोरेशन की है प्रॉपर तरीके से, आप इसको देख सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉर्मल होता है। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे आप क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को देख के आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट करें। जैसे ही अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक आउट करते हैं, सबसे पहले हमने आपको रजिस्टर करना है। हम लोग न्यू यूजर है तो हम लोग क्या करेंगे कि नेम, अपने सेल नेम, अपना ईमेल और उसके पास पासवर्ड सारा कुछ लगा के हम लोग इसको रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे मेन कैंपस है, रजिस्टर करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने आपको पोर्टल को दोबारा लॉग इन करेंगे, ठीक है। लॉग इन करने के बाद अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अपना बायोग्राफिकल डाटा, उसके बाद सारा कुछ सबमिट करके चालान को बैंक में पे करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना और 26 नवंबर को जो जिन जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट होगा वो अपना एडमिट कार्ड इधर से ही पोर्टल से डाउनलोड करके अपना टेस्ट देने जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर तरीके से जल्दी जल्दी अप्लाई कर रहे हैं, ताकि इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा गो थ्रू और ज्यादा से ज्यादा ग्रैब आउट किया जाए। जजाकल्ला, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।